हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में और एक रक्षाबंधन से जुड़ी कहानी सुनेंगे। वैसे तो इससे जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन हम सुनेंगे कि माता लक्ष्मी ने सबसे पहले रक्षाबंधन कब और कैसे मनाया था। तो चलिए हम सुनते हैं माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी, जिससे रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। कई लोग मानते हैं कि वृत्तासुर से युद्ध करने जब इंद्र जा रहे थे, तो इंद्र की पत्नी सची ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा था, तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए जाने लगा। परंतु यह त्यौहार भाई बहन का तब बना जब माता लक्ष्मी का इस सूत्र से संबंध जुड़ा। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भगवत पुराण अनुसार जब भगवान वामन ने महाराज बलि से 3 पग भूमि मांगकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया, तब राजा बलि ने भी वर के रूप में भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामनावतार के बाद पुनः माता लक्ष्मी के पास जाना था, परंतु भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि आप राजा बलि को भाई बना लें और उनसे रक्षा का वचन ले लें। अब नारद जी के बताए अनुसार माता लक्ष्मी ने एक साधारण महिला का रूप धरा और रोते हुए पहुंच गई राजा बलि के दरबार में। राजा बलि ने महिला से रोने का कारण पूछा, तब माता ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है और मुझे कोई बहन नहीं बनाना चाहता, क्या करूं महाराज? तब महिला की व्यथा सुनकर राजा बलि ने उन्हें अपनी धर्म बहन बनने का प्रस्ताव रखा। तब साधारण महिला रूप माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और वचन लिया कि बहन की रक्षा करोगी और उससे दक्षिणा भी दोगे। उसके बाद राजा बलि ने वचन दे दिया। तब माता लक्ष्मी ने असली रूप में आकर कहा कि यदि आपने मुझे अपनी बहन माना है, तो दक्षिणा के रूप में आप मुझे मेरे पति को लौटा दें। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बनाया और श्री हरि को भी वचन से मुक्ति कराकर अपने साथ ले गई। जिस दिन यह घटना घटी थी, उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलन में है, इसलिए रक्षाबंधन पर महाराज बलि की कथा सुनने का प्रचलन भी है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रक्षाबंधन की कथा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, और मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।